आज नगरी में 5 अक्टूबर को होने जा रहे सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेने सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल तारघर मैदान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मैदान में चल रही अधिवेशन की तैयारियों का निरीक्षण किया, साथ ही भाजपा पर जमकर निशाना साधा। 5 अक्टूबर को तारघर मैदान में होने जा रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियाँ जोरों पर है। पार्टी आलाकमान सीधे तौर पर अधिवेशन की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में रविवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेने कारगर मैदान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंच और पंडाल से लेकर खाने की व्यवस्था का निरीक्षण किया, साथ ही तैयारियों में कुछ आवश्यक सुधार के निर्देश भी दिए। देखिए, समाजवादी पार्टी का ये राष्ट्रीय अधिवेशन 5 तारीख को होने जा रहा है। इसकी तैयारी की समीक्षा के लिए हम यहाँ आए हुए हैं और इसकी हमारी सभी समितियां हैं, इसकी व्यवस्था की सभी समितियां हैं। 3 विधान परिषद के सदस्य श्री उदयवीर सिंह, श्री असीम यादव, श्री डॉक्टर दिलीप यादव और हमारे शिवकुमार जी, पूर्व मंत्री जी, जिला अध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष जी, ये सारे लोग लगे हुए हैं। इनकी अलग अलग अपनी कमेटी बना रखे हैं। उन कमेटियों के माध्यम से इसकी व्यवस्था हो रही है, डेलीगेट्स के बैठने की, स्टेज में माननीय नेतागणों के बैठने की, डेलीगेट्स के रुकने की, डेलीगेट्स के भोजनालय की और पत्रकार भाइयों के रुकने की और पत्रकार भाइयों को यहाँ बैठने की व्यवस्था कि हम समीक्षा करने आए। नेताजी आ रहे हैं, अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। कितने राज्यों के डेलीगेट्स? पूरे देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधिगण इसमें शामिल होंगे। मुद्दे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बताएगा। 2019 चुनाव हो या इसके मुद्दे के बारे में राष्ट्रीय नेतृत्व की राष्ट्रीय सम्मेलन है, उसमें हमारी राष्ट्रीय नेतागण ही बताए। ये राष्ट्रीय अधिवेशन है और राष्ट्रीय अधिवेशन का आमंत्रण राष्ट्रीय कार्य समिति करती है। अभी लगातार जिला पंचायत अध्यक्षों के बदलाव की तैयारी चल रही है, इसको लेकर कोई एजेंडा? देखिए, जिला पंचायतों की जहाँ बात है या ब्लॉक प्रमुखों की बात है, भारतीय जनता पार्टी दमनात्मक रवैया अपनाए हुए है और दमन कर रहे हैं। लोगों को डरा करके, धमका करके, मुकदमे फंसा करके पूरे प्रदेश में जिला पंचायत के निर्वाचित अध्यक्षों को और ब्लॉक प्रमुखों को हटाने का काम किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। देखिए, एक नेता उलझलूल की बात नहीं करता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में अनेकों नेता रोज उलझलूल की बात करते हैं, फालतू की बात करते हैं। महंगाई से ध्यान हटाने का, बेरोजगारी से ध्यान हटाने का, गरीबी पर चर्चा न हो, रोजगार पर चर्चा न हो, इन चर्चाओं को खत्म करने के लिए इस तरीके की लोग बातें करते हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या इन सब मुद्दों पर कोई चर्चा होगी जो अभी आपने? अब राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारा राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव जो आएगा वो माननीय राष्ट्रीय नेतागण हमारे बताएंगे। ये हमारा अधिवेशन राष्ट्रीय अधिवेशन और राज्य अधिवेशन हुआ है और इस अधिवेशन में हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व उसने तय किया है कि एक दिवसीय, क्योंकि इसकी चुनावी प्रक्रिया को भी, चुनाव आयोग पर भी हमको उसको करना है, तो एक दिवसीय किया जा रहा है। एक दिवसीय 24 आवर्स टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।